एमपी में भाजपा की पांचवी सूची जारी हो गई, जिसमें जौरा विधानसभा से चौथी बार सुबेदार सिंह रजौधा को मौका दिया गया है। प्रत्याशी ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि चौथी बार मुझे टिकट दिया गया है, इसके लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। वहीं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है, मैं आज उनका चरण छूकर आशीर्वाद पाना चाहता हूं। वहीं पांचवी सूची में नाम आने को लेकर कहा कि मैं नहीं मानता कि मेरे टिकट पर बादल छाए रहे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं जीता हुआ विधायक था। पहले हम सीट हारे, लेकिन मेहनत के बाद इसे जीते। अब पार्टी को इस सीट पर प्रत्याशी घोषित करने में कोई शंका नहीं रही होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चौथी बार टिकट दिया है। मैं ये समझता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर अपना कैंडिडेट लड़ा रही थी, लेकिन जौरा विधानसभा की जनता ने सबसे पहले मुझे 2013 में अपना आशीर्वाद दिया, फिर 18 में थोड़ी मेरी गलती रही होगी, 18 में थोड़ी जनता की भूल रही होगी, लेकिन 20 में बड़े बहुमत से उन्होंने मुझे, जो मैं 13 में जीता था उससे कई गुना ज़्यादा वोटों से जनता ने मुझे जिता करके अपना आशीर्वाद दिया। मेरे पास तो मुद्दे हैं। मैंने जौरा विधानसभा में, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं का मामला हो, आप देख सकते हैं कि मुरैना ज़िले में जौरा विधानसभा किसी मायने में कम नहीं रही है। हमने अभी 3 साल का टाइम मिला, उसमें कैलारस से सहसराम तक, पहाड़गढ़ से नरार माता हुए जौरा तक, कि मैं जौरा की जनता की मांग पर, जौरा की जनता की भावना को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चौथी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।